ये है जी पंडो बाजार के लोग। 9 तारीख को जो 9 जुलाई को जो बाढ़ आई थी, इन सबके घर डूब चुके थे, ये आपदा से पीड़ित हैं, फिर भी लोगों के लिए लंगर लगा रहे हैं। ये हमारे सारे पंडो बाजार के लोग, ये देखिए अब जो गाड़ी चालक वाहन चालक रास्ते में फंसे उनके लिए राशन व्यवस्था स्थानीय लोग पंडो बाजार के लोग कर रहे हैं। खुद आपदा से जूझ रहे पंडो निवासी दूसरों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। पंडो के लोगों ने सड़क बंद होने के कारण फंसे लोगों की मदद का कार्य शुरू किया है। इन लोगों को रोजाना 2 समय का भोजन लगभग 500 लोगों को निशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस कार्य को बाबा बालकनाथ मंदिर कमेटी पंडो, स्थानीय लोगों और राधा स्वामी सत्संग भवन पंडो के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन कार्य को करने वाले पंडो बाजार के वो सभी प्रभावित हैं जो हाल ही में आपदा का दंश झेल चुके हैं। पुरुष और महिलाएं रोजाना भोजन बना रही हैं, जबकि युवा इस भोजन को गाड़ियों के माध्यम से ले जाकर फंसे हुए लोगों तक पहुंचा रही हैं। पंडो निवासी विक्रांत सैनी और विशाल कुमार ने बताया कि सड़क बंद होने के कारण बहुत से लोग फंसे हुए हैं और इनकी मदद करने के उद्देश्य से खाना खिलाने का निर्णय लिया गया है। वहीं सड़क बंद होने के कारण फंसे ट्रक चालक पंडो वासियों की आवभगत से अभिभूत नजर आ रही हैं और इसके लिए इनका आभार जता रही हैं। वहीं तहसीलदार सदर मंडी साजन बग्गा रोजाना फंसे हुए लोगों के लिए राशन व्यवस्था जगह जगह कर रही हैं। इनके साथ पटवारी पंडो जुद्धिया देवी के माध्यम से भी पंडो के लिए राशन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है, ताकि फंसे हुए लोगों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। हमने जो ये गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं 2-3 दिनों से, इनके लिए खाने का प्रबंध किया हुआ है और अभी शायद 2-3 दिन तक रोड ऐसा ही रहेगा, बंद ही रहेगा, तो हमने कंटिन्यू करना है ये। और यहाँ पे जो पंडो की स्थानीय जनता है, लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है हमारा इस काम में, तो हमें चला के रखेंगे आगे प्रोग्राम खाने का। अपने समस्त स्थानीय निवासी जो पंडो बाजार में और बाबा नाथ मंदिर कमेटी की जितने भी सदस्य है, उन सभी के सहयोग से हमने आज यहाँ पर जो यात्रीगण यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो ट्रैफिक में है काफी, कोई 15 दिन से, कोई 14 दिन से यहाँ पर फंसा हुआ है, तो उनके लिए हमने भोजन पानी की व्यवस्था की हुई है। कोशिश कर रहे हैं हम सभी तक हमारे भोजन पहुंचे और सभी को भरपेट खाना मिले। तो ज्यादा ना कहता हुआ मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि मैं समस्त पंडो वासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें इस सहयोग के लिए प्रोत्साहन किया, प्रोत्साहित किया और सहयोग पूरा भरपूर दे रहे हैं। हालांकि हमारे पंडो बाजार के लगभग सभी महिलाएं पुरुष सभी बढ़ चढ़कर पंडो में खाना बना रहे हैं और हम यहाँ पर सभी को खाना खिला रहे हैं। हमें यहाँ 3-4 दिन हो गए फंसे हुए, तो भोजन व्यवस्था कैसे कर? सारी व्यवस्था अच्छी चल रही है, भोजन वगैरह के प्रशासन भी हमारा साथ दे रहा है, हर चीज से हेल्प मिल रही है, मतलब तकलीफ किसी चीज की नहीं दी जा रही है, बड़ी हेल्प हो रही है इधर हर चीज से, खाने से, पीने से, चाय से, सब चीज खाने की व्यवस्था रोज आने जाने की संस्था कर रही है, जो भी है स्थानीय लोग, हाँ स्थानीय लोग कर रहे हैं। लंगर व्यवस्था जो लगाई है बहुत बढ़िया है, सब हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हेल्प नहीं कर रहा है, वहाँ ऊपर भी लोग थे उन्होंने भी हेल्प की, अभी हम खुद भी अपना कर रहे हैं थोड़ा बहुत, पर है कि सही है बिल्कुल, बस ये है कि जल्द से जल्द रोड खोल दिया जाए ताकि सब अपने अपने, लोगों का कुछ नहीं है, लोगों का है कि मेन जो माल होता है गाड़ी में वो भी बहुत जरूरी होता है भाई, जिसने बंदे ने पैसा इकट्ठा किया पैसा लगाया, सेब नहीं होता कुछ, गोभी की भी गाड़ी है वो भी खराब हो जाए तो व्यापारी डूब जाएगा बेचारा, अपनी तो चलो गाड़ी का कुछ नहीं होता है, वो पीछे के बारे में भी सोचना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को है कि इस टाइम प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए कि सब्जी है, अगर सब्जी नीचे नहीं पहुंचेगी तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं भाई जी, ठीक है बराबर रहेगा तो ना कोई महंगाई बढ़ेगी ना कुछ नहीं होगा। जेडी गोभी भरी हुई है मगर व्यापारियों को भी घाटा पेगा जी, गोभी जो सड़ गई तो गह ड्राइवर भी ऐसा होंगे भी साडा भाड़ा मिले ना मिले जी, वो भी दिक्कत होंगी है, बाकी खान पीन का गवर्नमेंट भी करी जाती है, जिन्ना गवर्नमेंट की हैगी उन्ना वो करी जाते हैं, बाकी कुछ आप स्थानीय बंदे भी कर रहे हैं, कुछ आप भी कर रहे हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पंडो से विशाल वर्मा की रिपोर्ट।